आज हम बात करेंगे कि होली क्यों मनाई जाती है और होलिका दहन क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या मान्यता है। तो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी कहानी जुड़ी हुई है जो कि हिंदू पुराण और भागवत के अनुसार सत्य भी साबित होती है। तो आज हम बात करते हैं इसी कहानी की। झांसी से लगभग 80 किलोमीटर दूर एरच नगर है। मान्यता है कि यह सतयुग में राक्षस राज हिरण्यकश्यप नामक राक्षस राजा की राजधानी हुआ करती थी, जिसने आतंक और भय के कारण संपूर्ण पृथ्वी पर लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान लिया था कि वह ना रात में मरे ना दिन में, ना उसे नर मार पाए ना नारी, ना पशु मार पाए ना पक्षी, ना देवता मार पाए ना राक्षस, ना कोई अस्त्र ना कोई शस्त्र, कोई भी उसकी मृत्यु ना कर पाए। जब भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान दे दिया तो उसने संपूर्ण राज्य में घोषणा की कि अब भगवान विष्णु नहीं उसकी पूजा होगी, और जो उसकी पूजा नहीं करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। मृत्यु दंड के भय से सारे लोग उसकी पूजा करने लगे, लेकिन उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त निकला। उसने अपने पिता की पूजा करने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज होकर हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के कई प्रयत्न किए, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वह हर बार बच गया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए कई उपाय किए। कहीं प्रहलाद को मारने के लिए सांपों के तहखाने में बंद किया, तो कभी हाथी के पैरों से कुचलवाने का प्रयास करवाया। जब वह असफल रहा तो उसने अपने सैनिकों को प्रहलाद को डेकाचल पर्वत से नीचे फेंकने का आदेश दिया। सैनिकों ने प्रहलाद को पर्वत से नीचे बेतवा नदी में फेंक दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने स्वयं प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर बचा लिया। भक्त प्रहलाद को पर्वत से ढकेलने के कारण आज इस पर्वत को ढिकोली पर्वत के नाम से जाना जाता है। जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने में असफल रहा तो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने कहा कि उसे वरदान है कि वह आग में नहीं जल सकेगी, और वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाएगी, जिससे प्रहलाद आग में जलकर मर जाएगा। एरच में लकड़ियों का एक ढेर बनाया गया, जिस पर होलिका प्रहलाद को गोदी में बिठाकर बैठ गई और उसमें आग लगा दी गई। लेकिन एक बार फिर भगवान विष्णु की कृपा प्रहलाद पर पड़ी और वह बच गया और होलिका वहां पर जल गई। तब से होलिका दहन किया जाने लगा। तब स्वयं हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की और भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया, जो कि सिंह और नर का अवतार था, और अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को वध कर दिया। तब पहली बार झांसी में एरच में रंग गुलाल के साथ होली का त्यौहार मनाया गया। इतिहासकार बताते हैं कि झांसी के एरच को भक्त प्रहलाद की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके कई प्रमाण भी मिलते हैं। झांसी के गजेटियर के प्रश्न संख्या 339 में प्रहलाद नगरी एरच का उल्लेख मिलता है। हिरण्यकश्यप की राजधानी का उल्लेख श्रीमद् भागवत और कई पुराणों में मिलता है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।